सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल क्विक इजी लॉ आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट प्लेज इंडेमनिटी एंड गारंटी तो आइए शुरू करते हैं ये मैंने सिलेबस लगा दी है कोशिश करिए कि आप लैपटॉप पे देखिए और अगर आप ये आपने क्विक इजी लॉ को टेलीग्राम में फॉलो नहीं किया है तो आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए चैप्टर फाइव जो है सेक्शन सिक्सटी से सेक्शन सेवेंटी के अंदर जो है बात करते हैं क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट की और इसको याद करने का तरीका क्या है देखिए मोस्ट फेवर्ड नेशन को हम एफ एम एफ एन कहते हैं और आई आर का क्या होता है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ होती है तो अब देखिए यहाँ ये यह उल्टा चलता है क्या मिस्टेक फाइंडर नॉन ग्रेचुटियस एक्ट और आई आर से क्या इनकेपेबल और री एम्बर्समेंट आगे जो है सिक्सटी एट से सेवेंटी टू मैंने डिटेल में आगे लिखे हैं हम यहाँ से पढ़ेंगे देखिए चैप्टर फाइव है ये हमने पीछे पढ़ दिया देखिए सेक्शन सिक्सटी एट बात करते हैं क्लेम फॉर नेसेसिटीज़ क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन हज अकाउंट इफ अ प परसन इज इनकेबल ऑफ एंट्रिंग इन टू का कॉन्ट्रैक्ट कोई बंद है जो इनकेपेबेबेल है अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते और एनी वन ऑफ होम ही इ लगली बाउंड टू सपोर्ट या कोई ऐसा बंदा जो दूसरे बंदे को सपोर्ट करने के लिए लीगली बाउंड है इज सप्लाइड बाई अनदर पर्सन विद नेसेसरी सुटेड टू हज कंडीशन इन लाइफ दी पर्सन हू हज फर्निश सच सप्लाइज इज़ एंटाइटल टू री इम्बर्स फ्राम दी प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपलब पर्सन तो भैया किसी एक बंदे को आपको सपोर्ट करना था और प्लस आप लीगली बाउंड भी उसको सपोर्ट करने के लिए आपने उसकी कंडीशन ऑफ ला, कुछ लाइफ में उसको ऐसी ज़रूरत पड़ी जिस टाइम पर आपने उसकी मदद करी तो भैया जो उसकी प्रॉपर्टी होगी ना उस इनकेपेबल पर्सन की आप उससे अपना जो भी खर्चा हुआ होगा वो आप उससे वसूल सकते ले सकते ए जो है ए सप्लाइज बी आर ल्यूनाटिक विद नेसेसरी सुटेबल टू हिस्स कंडीशन इन लाइफ ए इज़ इंटाइटल टू बी रियम्बर्स फ्रॉम बीस प्रॉपर्टी सपोज कर ले भाई ल्यूनाटिक के पास घर नहीं था खाना नहीं था आपने उसको टेम्प्री एक, एक अकोमोडेशन दी घर पर दी तो भैया जो बी है जो ल्यूनाटिक है अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकता पर फिर भी जो ए है वो उसकी प्रॉपर्टी से

The revenue payable by A to the government being in arrear, his land is advertised for sale by the government under the revenue law. The consequence of such sale will be the annulment of B's lease. B, to prevent the sale and the consequence, consequent annulment of his own lease, pays to government the sum due from A. A is bound to make good. टू बी देखो बी के पास एक लैंड है ए जो है उसका ओनर है तो ए ने बी को लैंड लीज पे दे दी अब सपोज करो ए को एक रेंट देना था या एक टैक्स देना था सरकार को और ए के पास उस टाइम पैसे नहीं थे तो भैया बी ने क्या किया बी ने कहा भाई मैं जो है मैं पैसा दे देता हूँ ए के बिहाफ पे क्यों क्योंकि अगर ए पैसा नहीं देता तो सरकार जो है वो ए की ज़मीन ले लेती और ए की जमा ले लेती तो बी की लीज़ कैंसिल हो जाती तो जो है बी ने अगर वो रेंट पे कर दिया क्यों उस टाइम ए के पास पैसा नहीं था तो भैया जैसा ए जो है ना ही इज़ बाउंड टू डिलीवर ए जितना भी ए जो है ही इज़ बाउंड टू पे द मनी बैक टू बी क्यों क्योंकि जो पैसा दिया है वो बी ने दिया है ए के बिहाफ पे तो आप बी से को वो पैसा वापस लौटाओगे ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचुटेस एक्ट सेवेंटी वे अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुअस्ली एंड सच अदर पर्सन इंजॉयज़ द बेनिफिट देर ऑफ द लेटर इज बाउंड टू मेक कंपनेशन टू फॉर्मर इन रिस्पेक्ट और टू रिस्टोर द थिंग्स डन और डिलीवर ट्रेड्समैन है लीव करता है गुड एट बी के हाउस बाय मिस्टेक ए आया बी के घर उसने ना गलती से बी के घर में कुछ गुड्स छोड़े थे तो बी ट्रीट एज ही इज बाउंड टू पे ए फॉर अब बी क्या कहता है उसे लगता है कि ये तो मेरे लिए लाया हुआ तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं नहीं अगर आपने इस्तेमाल कर लिया उनको यूज कर लिया तो आप ए को जो है वो गुड्स वापस लाओगे क्यों क्योंकि ग्रेचुटियस एक्ट नहीं था ये नॉन ग्रेचुटियस एक्ट था उसका वो अपने लिए लाया था भूल गया था अब आपने उसको यूज कर लिया तो आप उसको रिटर्न करिए सेम हिलस्ट्रेशन है आप खुद पढ़िएगा पड़िएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स अ ए पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स दम इन टू अ कस्टडी सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पांसिबिलिटी एज द बेली अगर आपको रोड पर पड़ी हुई कोई चीज़ मिल जाए तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेली की आपकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक बेली की होती है जिसको हम गुड्स देते हैं सिम्पल सी चीज़ है आप ये चीज़ याद रखना सेक्शन सेवेंटी वन में बेली का कंसेप्ट दे रखा है सेवेंटी टू बात करते हैं लाइविलिटी ऑफ पसन टू हु मनी स्पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर अ कोअर्जन देखिए एक बंदा है उसको हमने पैसे दिए या तो गलती से दे दिए या उसने हमें कोवर्स कर दिया कि तुम नहीं दोगे तो मैं सुसाइड करूँगा जिसने ऐसा किया है या जिसको गलती से मिला है उस बंदे को जो है पैसे लौटाने पड़ेंगे उसके राइटफुल ओनर जैसे ए और बी है जॉइंटली वो वन हंड्रेड रुपीज़ टू सी a alone pays the amount to c and b not knowing the fact pay 100 rupees over against to c is bound to repay the amount b देखिए a और b के पास को a और b को c को 100 रुपए देने थे a ने ना b के भी पैसे दे दिए c को और b को अभी पता नहीं कि a ने उसके पैसे भी जो c को लौटा दिए तो वो क्या है वो c को पूरे 100 रुपए फिर से दे देता अब वो जो है repay कर देगा amount b को क्यों क्योंकि already जो है पहले ही उसने दे दिए किसने a ने दे दिए b के बिहाफ पे ये अगली इलस्ट्रेशन आप खुद पढ़िएगा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सेक्शन 72 और इन सब जी इन सब चीज़ों के अंदर ना आपको अगर पेपर पूछेंगे, unjust enrichment में पूछेंगे अनजस्ट एनरिचमेंट का कंसेप्ट कहाँ दे रखा है इनमें से कोई भी सेक्शन नहीं दे रखा और सेक्शन 72 मेंशन मैंशन तो आप सेक्शन 72 पर टिक कर दीजिएगा नहीं तो सारे के सारे सेक्शन जो है ना डॉक्ट्रेन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट के बारे में बात करते हैं आपको फ़ायदा हुआ था वो जस्ट नहीं था मतलब वो आप उसके लिए लीगली कैपेबल नहीं थे वो अनजस्ट था तो अब आपको फ़ायदा जो है वापस लौटाना पड़ेगा जिससे आपने फ़ायदा लिया है ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की बात हो रही है इन सेक्शंस में अगर कोई सिर्फ एक सेक्शन दे रखा हो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट का तो उसको टिक कर देना आंसर हमेशा यही होगा 68 से 72 के बीच में चैप्टर एट जो है इंडेमिनिटी की बात करता है चैप्टर नाइन बेलमेंट की बात करता है और चैप्टर टेन एजेंसी की बात करता है तीनों के तीनों जो चैप्टर्स है ये आपके सिलेबस में मैंशन है तो इनके चैप्टर नंबर आप याद कर लेना इंडेमिनिटी है देखिए वन में बेलमेंट है वन में प्लेज सेवेंटी में देखो ट्वेंटी फोर वन ज़ा आ गया ट्वेंटी फोर टू ज़ा फोटी एट ट्वेंटी फोर थ्री सा सेवेंटी टू आप ऐसे याद कर लेना सबसे पहले इंडेमनिटी और गारंटी आते हैं फिर बेलमेंट और प्लेज आता है अच्छे से याद कर लो ये सेक्शन नंबर फिर एजेंसी का मेंशन है सेक्शन वन एट टू में देखिए सेक्शन वन ट्वेंटी फोर बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की क्या चीज़ है आगे मैंने लिख रखा है सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव बात करता है राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की वन ट्वेंटी सिक्स बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की इसी के अंदर डिफाइंड है श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर वन ट्वेंटी नाइन कंटिन्यूंग गारंटी के मैंने आगे लिख रखा है प्लस एक चीज आपको याद रखनी है कि जो श्योरिटी की लाइबिलिटी है को एक्सटेंसिव होती है आगे हम पढ़ेंगे क्या चीज़ें मैंशन है ये चीज़ आप एज इट इज़ दिमाग में उतार लीजिएगा आगे इनको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है देखिए सेक्शन 124 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी की देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का क्या मतलब होता है ये सेक्शन 124 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी की यहाँ क्या ये एक, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी जो है प्रॉमिस करते हैं दूसरी पार्टी को कि मैं आपके सारे के सारे लॉस को बचाऊंगी जो थर्ड पार्टी आप पे क्लेम कर सकती है तो देखिए इलास्ट्रेशन से समझ आएगा ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी ए ने बी को साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया बी को ना दो सौ तक की जितने भी जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगी प्रोसीडिंग्स में जो सी बी के खिलाफ इन्फोर्स कर सकता है वो जो है दो सौ तक की सारी की सारी चीज़ें जो है वो ए जो है अगर कोई लॉस होगा सी को या कोई नुकसान होगा वो बी के बिहाफ पे ए जो है सी को दे देगा ए इसको दे देगा सिंपल सी चीज़ है ट्वेंटी बात करता है राइट्स ऑफ इंडेमिनिटी होल्डर वेन स्यूड तो देखो ऊपर वाले एग्जाम्पल में ना जो बी है ना ये इंडेमिनिटी होल्डर है इसको क्या है इससे इंडेमनिटी मिली है ए से कि भाई तेरा दो सौ रुपये तक का जो भी नुकसान होगा ना मैं कवर करूंगा तो बी जो है यहाँ इंडेम्यटी होल्डर है तो अब ये इसके खिलाफ अगर कोई भी केस फाइल कर दे या इसका कोई भी नुकसान हो जाएगा तो बी के पास क्या क्या राइट्स है ये सारी राइट्स है पहले जितने भी जो सारे डैमेजेस है वो ए से रिकवर हो सकते हैं जो भी ऑल कॉस्ट कम्पेयर टू पे इन सूट इफ़ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट जो भी अगर बी कोई सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है उसके खिलाफ कोई सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है तो जो कोई खर्चा हो रहा है वो सारी सारी कॉस्ट देगा ये ऑल सम्स विच ही में है पेड अंडर दी टर्म्स ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज़ या बी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर दो सौ रुपये तक का कोई सम वम दिया तो सारी की सारी जो चीज़ें ना वो ए जो है पैसा देगा बी को कि भाई वो आगे सी को पे कर पाए या ऑन बिहाफ ऑफ बी जो है ए पैसा देगा सिंपल सी चीज़ें सेक्शन वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की कॉमर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर की तो वन ट्वेंटी सिक्स में जो है चार चीज़ें डिफाइंड है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज इज कॉल्ड द श्योरिटी द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन द कॉल्ड द प्रिंसिपल डेटर एंड द पर्सन टू हुम द क्रेडिट इज गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड द क्रेडिटर अ गारंटी में भी इधर ओरल या रिटर्न देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है अगर पीछे वाला एग्जाम्पल हम देना ए बी सी वाला तो देखो जो ए बी सी है सेक्शन 126 में इनको बता देते हैं ए बी सी को हम इस वाले एग्जाम्पल में लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगर ए ने बी के बिहाफ पे सी को गारंटी दे दी है किसने ए ने तो पर्सन हु गिव्स द गारंटी तो यहाँ जो है ए हो जाएगा श्योरिटी बी के बिहाफ में दिए सी को कि भाई दो सौ रुपये तक का जो भी बी के कारण तुम्हें नुकसान होगा या जो भी कुछ भी होगा तो मैं दो सौ रुपये तक जो है बी की गारंटी ले रहा हूँ तो ए जो है यहाँ हो जाएगा श्योरिटी द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफ़ॉल्ट जिसके डिफॉल्टे भैया अगर तुम्हारे को कोई नुकसान होगा बी के डिफ़ॉल्टे तो मैं दूँगा तो एक क्या है बी के है, प्रिंसिपल डेटर एंड दी पर्सन टू होम गारंटी इज़ गिवन तो यहाँ जो सी है जिसको एक गारंटी दी है कि भाई आप बेहींचक बी के साथ काम करो मैं हूँ ना गारंटी दे रहा हूँ एज आ कौन है वो जो गारंटी दे रहा है वो ए है तो यहाँ जो है सी क्या हो गया वो जो है क्रेडिटर है और गारंटी में भी इधर ओरल या रिटर्न ये चीज़ आप याद रखना पेपर में पूछ सकते हैं अब ये बात आती है कि लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इस को को एक्सटेंसिव विद डैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस इट इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड तो भैया ये को एक्सटेंसिव है दोनों की लाइबिलिटी साथ साथ चलती है बिल्कुल मिल के ठीक है ये वर्ड जो है पेपर में आ गया था कि कैसी है को एक्सटेंटि को एक्सटेंसिव है सेपरेट है क्या है तो ये आपको वर्ड जो है एमसीक्यू पे टिक करना था किसकी है श्योरिटी की और प्रिंसिपल डेटर की अगर आप ये कंसेप्ट समझ जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली टिक कर दोगे श्योरिटी ऑफ़ प्रिंसिपल डेटर को सेक्शन 129 बात करता है नाइन गारंटी अ गारंटी विच एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूंग गारंटी ए इन कंसिड्रेन दैट बी विल इम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बी जमींदारी प्रामिसज बी टू बी बिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ फाइव थाउजेंड रुपीज फर द ड्यू कलेक्शन पेमेंट टू बाई सी ऑफ रेंट दिस इज अ कंटिन्यूअ गारंटी इस इलस्ट्रेशन में क्या है ए जो है बी को रख लेते हैं अपने पास और क्या करता है बी का क्या काम होता है वो जो भाई ए इन कंसिड्रेशन दैट बी विल इम्प्लॉयज सी इन कलेक्टिंग रेंट ऑफ बी ठीक है देखो इस इलस्ट्रेशन में क्या है ए जो है ना ए ने क्या कहा है कि बी जो है ना वो सी को इंप्लॉय करेगा जितनी भी जो है बी की सारी जो लैंड है उनके लिए रेंट खरीद करने के लिए और ए ने कहा भाई अगर आप सी को इम्प्लॉय करोगे तो मैं आपको पाँच हज़ार रुपये तक की ना अपनी तरफ से जो है गारंटी दूंगा भाई कोई भी अगर बी घपला कोई भी सी अगर आपकी इम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन में कोई घपला कर दे या कोई आपको नुकसान नुकसान हो जाए तो ये मेरी गारंटी है बस आप मेरे बंदे को एज़ ए इम्प्लॉयमेंट आप रख लो और कितने रुपये तक की उसने गारंटी दे रखी है ए ने बी को फाइव थाउजेंड रुपीज़ तक की किसकी गारंटी है सी की कि भाई सी अगर कुछ भी ऊपर नीचे गलती कर दे बी के काम में तो भाई ए जो है डायरेक्टली बी को कंपनसेट कर देगा अप टू तो द अमाउंट ऑफ़ फाइव थाउजेंड रुपीज़ तो क्या ये कंटिन्यूइंग गारंटी है क्यों क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक, बाद एक बहुत सारी प्रेमाइस प्रम, होंगी बी की तो सबके लिए जो है धीरे 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 बी के लिए काम करता रहेगा तो क्या एक कंटिन्यूइंग गारंटी है एक काम ये बहुत सारे काम है एक के बाद एक के बाद एक्शन चंद वन बात करते हैं बेलमेंट बेलर एंड बेली की देखिए बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन बायन टू अनदर फॉर सम अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन पर्पस इज एक बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन गिविंग द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर द पर्सन टू हुम दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली देखिए भैया बेलमेंट क्या है? ये एक प्रोसेस है क्या a है ए है सपोज करिए ए ने बी को गुड्स दिए हैं कोई किसी पर्टिकुलर काम के लिए तो जहाँ जो ए है ना ए जो है ए जो हो गया बेलर और बी जो हो गया बेली तो इसको याद करने का क्या तरीका ट्रांसफरर होता है ए ने चीज़ें दी है तो ये ट्रांसफरर है तो आप इससे याद कर लो बेलर यही होगा जिसके पास जाती उसको है उसको ट्रांसफर ही कहते हैं तो ये क्या है बी क्या है बेली है तो बेलमेंट जो है प्रोसीजर है प्रोसेस है और बेलर और बेली जो है इनके हिस्सा है सेक्शन वन सेवेंटी टू बात करते हैं प्लेच पॉनर और पॉनी की द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस इज कॉल्ड द प्लेच द बेलर इज इन द केस कॉल्ड द कॉल्डर एंड द बेली इज कॉल्ड द पॉनी देखिए यहाँ जो है ना सेम सेक्शन 148 वाला कंसेप्ट है पर यहाँ क्या किसी पर्पज़ के लिए ली जाती है सेक्शन 48 में आप एग्जांपल ले सकते हो ए ने बी को जो है एक हार्वेस्टर दे दिया कि ठीक है आप मेरे से मेरा हार्वेस्टर ले जाओ अपने सारे फल इस अपने बाग में जितने फल वल हैं जितने आपने गेहूँ वेहू गा रखा है उसको आप हार्वेस्ट करो और बाद में मुझे वापस लौटा देना तो ऊपर क्या बेलमेंट बेलर और बेली यहाँ जो है यहाँ क्या है द बेलमेंट ऑफ गुड एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट यहाँ जो है ना आप सपोज कर लो सारा का सारा सीनैरियो 148 वाला होता पर यहाँ लिख दिया पेमेंट ऑफ डेट जब आपको एक डेट देना है और आप जो है कुछ जाके गिरवी रख देते हो अपना ना तो उसी को ही प्लेज पॉनर और पोनी कहा जाता है ठीक द बेलर इज इन केस दी कॉल्ड दिकॉल्डिट पॉनर तो जब आप किसी को कोई चीज़ देते हो कि सर मैं ना आपको प्रॉमिस कर रहा करूँ अपना डेट लौटा दूंगा मेरे पास मेरा आप ये गोल्ड रख लो अपने पास तो ये क्या हो गया ये वो आप हो जाओगे पॉनर और जिसको आपने दी है वो हो जाएगी पोनी मतलब जब हम किसी गोल्ड वाले को अपना गोल्ड दे देते हैं कि सर आप ये रख लो एज अ मेरी सिक्योरिटी फॉर डेट जो दो लाख रुपए आप मेरे को दे दो तो जो आपने गोल्ड दे दिया फाइनेंस वाले को जाके आप हो गए पॉनर और जब वो आपको पैसा दे देगा उसके बिहाफ पे उसको एज अ सिक्योरिटी फॉर डेट तो वो हो जाएगा पौनी सिंपल सी चीज़ आई होप आपको समझ आ गई होगी सेक्शन नंबर याद कर लेना वन सेवेंटी टू चैप्टर टेन जो ये एजेंसी की बात करते हैं सेक्शन वन एटी टू बात करते हैं एजेंट की एजेंट क्या सिंपल सी चीज़ है आप कंपनी में काम करो आपने अपना काम करने के लिए एक एजेंट रख लिया जो आपके बिजनेस को एक्सपेंड करे तो क्या एजेंट जो है आपके बिहाफ पे थर्ड पार्टी पे डील करता है तो वो बंदा क्या हो गया एजेंट हो गया क्यों आपने उसको रखा हुआ है अपने फॉर्म के काम वाम करने के लिए अपने बिजनेस के काम करने के लिए और आप कौन हो गए जिसको जो रिप्रेजेंट करे कि हाँ मैं इस बंदे के बिहाफ पे जो है कंपनी को एक्सपेंड कर रहा कराऊँ तो आप जो हो गए प्रिंसिपल हो गए सिंपल एजेंसी में क्या है सेक्शन वन एटी फाइव आप जरूर पढ़ना रेटिफिकेशन कार्ड भी मेड विद डिफेक्टिव नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया आप जो है ना प्रिंसिपल जो होता है वो एजेंट के काम के लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है प्लस लेकिन यहाँ जो है कंसेप्ट ऑफ रेटिफिकेशन भी है रेटिफिकेशन कार्ड भी मेड विद डिफेक्टिव नॉलेज ऑफ फैक्ट्स देखिए रेटिफिकेशन जो है ना आप देखना टू जीरो फाइव वन नाइनटी सिक्स से टू हंड्रेड के अंदर ना रेटिफिकेशन की बात करिए एजेंट ने सपोज करो कुछ ऐसा काम कर दिया तो प्रिंसिपल के पास एक पावर होती है कि चलो ठीक है यार एजेंट ने अगर कुछ भी काम कर दिया तो आप उसको रेटिफाई कर सकते हो चाहे वो उसके अथॉरिटी में अगर नहीं भी हो तो भी ये जो आप उसको रेटिफाई कर सकते हो अगर आपको कोई बात नहीं इसने मेरे बिहाफ पे काम कर दिया सिंपल सी चीज़ है पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है रेटिफिकेशन कैन नॉट इंजर्ड थर्ड पर्सन रेटिफिकेशन इज़ गिवन इन सेक्शन 196 से 200 आप कोई भी उसके काम को हामी नहीं भर सकते ऐसा कोई भी काम आप प्रिंसि एजेंट का हाँ नहीं कर सकते जिससे जो है थर्ड पार्टी को नुकसान हो जाए या थर्ड पार्टी की राइट्स एफेक्ट हो जाए ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखना सेक्शन 196 से सेक्शन 200 जो है रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो आज की वीडियो जो है मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ये सब चीज़ें बता दी जो सेक्शन हैं आप एक बार चाहे तो खुद भी पढ़ लेना आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आई होप आपकी प्रिपरेशन सही चल रही होगी बस कुछ दिनों के बाद एग्जाम हो जाएगा तो आप बस थोड़े दिन और रह गए हैं फोकसली आप पढ़ते रहिए चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपका इस बार यू जी सी नेट जे आर एफ़ एग्ज़ाम बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर हो थैंक यू गाइज़ हैव अ ग्रेट डे